नमस्कार किसान दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रैक्टर कारवा के प्लेटफॉर्म पे। आज हम आए हैं किसान के पास में और आज हम आपको महिंद्रा 585 DI XB प्लस का कस्टमर रिव्यू देने वाले हैं। तो हमसे मिलेंगे जो महिंद्रा 585 DI XB प्लस ट्रैक्टर है वो किसान हमसे मिलेंगे, वो कॉन्ट्रैक्टर भी हैं, किसान भी हैं। तो हम बात करेंगे कि उन्होंने ट्रैक्टर कब लिया और कैसे लिया और कैसा वो ट्रैक्टर चल रहा है, और इस ट्रैक्टर के बारे में फुल डिटेल हम कस्टमर से जानने वाले हैं, किसान से जानने वाले हैं। तो इससे पहले, आप ट्रैक्टर कारवा के चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार जी। जी क्या नाम है आपका, शुभ नाम बताइए। मेरा नाम सर उपदेश कुमार यादव। मैं सर एजुकेशन का तो ऐसा है, कंप्यूटर साइंस से मैंने IT से MSc किया है और हिंदी और पॉलिटिकल साइंस से मैं MA हूँ। बहुत अच्छा सर, आप एक एजुकेटेड फार्मर हैं, एक एजुकेटेड कॉन्ट्रैक्टर हैं जी। तो हम आपसे ये चाहेंगे कि आपने ये ट्रैक्टर है आपके पास में महिंद्रा 585 DI XB प्लस है। यस सर। सर ये आपने कितने टाइम पहले लिया था, कितना टाइम हो गया इसको रखते हुए आपको? सर मैंने ये ट्रैक्टर लिया है 2020 में और लगभग मेरे को 4 साल हो गए इसको लिए हुए। तो इस 4 साल के दौरान आपने इस ट्रैक्टर को चलाया है जी, इसमें आपने क्या क्या खूबियां देखी हैं वो हमारे किसान साथी हैं उनको बताइएगा। खूबियों का तो सब ऐसा है, मैं पहले से एक जमींदार आदमी हूँ जी, मैं खेती और किसान का बेटा हूँ और किसानी मेरा पहला काम है जी सर। तो एजुकेशन के बाद में सन 2011 में मैं इस लाइन में आया जी, और 2000 मैंने खेती के लिए ट्रैक्टर लिया जी, और 2011 के बाद में 12 में मैंने कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू कर दिया जी। तो 11 से और 15 तक मैंने विभिन्न कंपनियों के कई ट्रैक्टर्स चलाए जी। 2016 में मैंने सबसे पहले महिंद्रा ट्रैक्टर लिया जी, 275 वेरिएंट जो आता है महिंद्रा का जी सर। उसके बाद मुझे अच्छा लगने लगा, तो 2019 में मैंने इसका एक ट्रैक्टर लिया था भूमिपुत्रा सीरीज का 585 जी सर, जो भूमिपुत्र सीरीज का था जी। तो वो ट्रैक्टर मुझे इतना अच्छा लगा, तो 2020 में मेरा मन हुआ कि मुझे नया ट्रैक्टर लेना है जी। तो 2020 में इन्होंने सीरीज जो लॉन्च की, जो आपके सामने देख रहे हो आप जी, महिंद्रा 585 DI XB प्लस जी। तो इस ट्रैक्टर को सर लेने के बाद में मेरा जो ट्रैक्टर के प्रति जो नजरिया है वो बिल्कुल बदल गया। अच्छा। मैंने धीरे धीरे से मेरे पास 6-7 जो ट्रैक्टर थे उनको हटाना शुरू कर दिया और महिंद्रा की भर्ती करना शुरू कर दिया। अच्छा। उसके बाद में जी अब मेरे पास ये 3 585 हैं। तीन है आपके पास अब फिलहाल, लेटेस्ट 3 है। अच्छा। 2020 से 24 तक ये ट्रैक्टर मेरे दिमाग में ये मान के चलो कि बिल्कुल ये मानो मेरे घर का सदस्य है अभी ये। अच्छा जी। तो आप ये बताइए हमारे किसान भाइयों को कि इसकी खिंचाई कैसी है और आप इसको किस किस इम्प्लीमेंट में काम में लेते हैं? इम्प्लीमेंट तो सर सीधी सी बात है, मैं एक जमींदार का बेटा हूँ तो मैंने इससे सब कल्टी से लगा कर, कल्टी अपने सबसे पहला कल्टी यूज करता है जी। कल्टी लगाया, हैरो लगाया आपने, उसके बाद आपका रोटावेटर हो गया, जायरावेटर हो गया, और सबसे बड़ी थ्रेशर। हालांकि मेरे पास थ्रेशर नहीं है लेकिन मेरे मित्र उनके साथ मैंने थ्रेशर में उनको भी ये ट्रैक्टर दिलाया, उनके पास रात दिन थ्रेशर में चल रहा है ये जी। सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस है गजब की थ्रेशर के अंदर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक बहुत बड़ा रीजन है। क्या सर? मैं किसी पर्टिकुलर ट्रैक्टर कंपनी को इंडिकेट नहीं करूंगा लेकिन मैं बताना चाहूंगा, हर ट्रैक्टर जो 50 HP का ट्रैक्टर है उसमें धीरे धीरे यहाँ इंजन 50 HP जनरेट करेगा जी, कुछ गियर में आके HP घट जाएंगे जी, कुछ पिछले हिस्से में आके घट जाएंगे। तो ट्रैक्टर जो 50 HP इंजन जनरेट कर रहा है वो पीछे 40 या 38 या 37 HP पहुंचता है जी। और 585 अपने सेगमेंट का अकेला ऐसा ट्रैक्टर है जी, जो 585 ट्रैक्टर है वो 50 HP का इसका इंजन है, PTO 45 HP पीछे जनरेट करता है। 45 HP ट्रैक्टर पे लिखा हुआ है बाकायदा प्लेट के ऊपर जी। तो आप ये देख सकते हैं कि अगर आप इसे कंप्यूटर गोड़ी चलाएंगे जी, या आपका रोटावेटर चलाएंगे जी, या जायरोवेटर चलाएंगे जी, तो या थ्रेसर चलाएंगे जी, तो PTO से चलने वाले जो उपकरण है उनमें बेहतरीन काम करेगा ये, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी, बहुत अच्छी। दूसरी बात, फ्यूल कंजप्शन पे आते हैं, जो सबसे बड़ा किसान को जो मारने वाला सिस्टम वो फ्यूल कंजप्शन जी, बिल्कुल सही कहा। आप किसी भी ट्रैक्टर से सेम कल्टीवेटर के ऊपर मैं लगाता हूँ इसके अंदर 9K जी, 9K आप कल्टीवेटर लगा के किसी और सेगमेंट से आप ट्रैक्टर को ट्राई कीजिएगा जी, इसका जो फ्यूल कंजप्शन है जी उन ट्रैक्टर से 300 से 500 ml कम मिलेगा आपको, सेम जुताई के अंदर, सेम कल्टी के अंदर, सेम इम्प्लीमेंट के अंदर।
तो जी सर, ये सबसे अच्छा लगा, ये बहुत अच्छा, इसका प्लस पॉइंट आपने बताया है जी। किसानों के लिए आपने एक राह बताई है कि किस तरीके से ये ट्रैक्टर काम करता है, किस तरीके से बचत करके देता है जी। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इसमें आप ट्रोले में, ये ट्रोली है, ट्रोला है? हाँ हाँ, पहले तो आप ये बताइए क्योंकि ये काफी बड़ा है। तो बिल्कुल सर, आपने वास्तव में बड़ी काम की बात पूछी है। एक्चुअली क्या है कि लगभग किसान आदमी इसको ट्रॉली में यूज करता है छोटे काम के अंदर जी। अब मैं कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ हूँ तो खेती का काम तो है ही है मेरे पास जी। अब ये देखिए आप, ये ट्रोला है, डबल व्हील लगा हुआ है, इस ट्रैक्टर के अंदर आप 20 टन वजन भी भर देंगे जी। तो मैं क्लेम कर रहा हूँ सर, ये ट्रैक्टर आपको धुआं नहीं दिखाएगा। अच्छा, लोड नहीं मानेगा? लोड नहीं मानेगा, अगर गियर सही तरीके से ट्रैक्टर को बदलेंगे जी और तरीके से ट्रैक्टर को चलाएंगे तो ट्रैक्टर दबाव नहीं मानेगा। दबाव नहीं मानेगा? नहीं, मेरे पास 3 ट्रैक्टर इसी सेगमेंट में, इसी ट्रोले में चले हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। दूसरी बात, ट्रैक्टर की जो सर्विस है वो 350 घंटे के ऊपर है। अच्छा, सबसे अच्छा फायदा ये है, 350 घंटे में सर्विस करवाते हैं। और जो ब्रेक सिस्टम है और ट्रैक्टरों के अपोजिट, जिनसे जो और मैंने और ट्रैक्टर चलाए हैं उनके अंदर सबसे पहला ऑयल इमर्सेड ब्रेक महिंद्रा ने चालू किया है। अच्छा, औरों में किसी के अंदर आपको डिस्क पैड वाले ब्रेक मिलेंगे, किसी पे प्रेशर से थ्रो करने वाले ऑयल ब्रेक मिलेंगे, इसके अंदर ऑयल के डूबे हुए ब्रेक हैं जी। तो ब्रेक का खर्चा जीरो हो गया मेरा। दूसरी बात, अगर आप ट्रैक्टर को यहाँ रोकेंगे तो ट्रैक्टर वहीं रुक जाएगा, वहीं रुक जाएगा, सटीक ब्रेक लगेंगे, सटीक ब्रेक लगेंगे जी। तो इसके आगे के टायर कितने के? 616 के। पीछे के टायर जो है वो 1428 के हैं। इसमें आपने ये जो गियर आप चलाते हैं, चलाते वक्त कैसा कंफर्ट आपको फील होता है? आप गियर लगाओ, आपको ये फील नहीं होगा आपने गाड़ी का गियर लगाया, ट्रैक्टर का गियर लगाया है। आप इस पे बैठ के और एक बार थोड़ा सा दिखाइएगा कि आप कितना कंफर्टेबल अपने आप को महसूस आप करते ये हैं। देखो, कंफर्टेबल की बात देखो आप, सबसे बड़ी बात तो आपको ट्रैक्टर पे बैठने पे ऐसा महसूस होगा कि आप किसी बहुत अच्छे शानदार चीज के ऊपर बैठे हैं जी। दूसरी बात, अब ये गियर है आपका, देखो आप जी, ये देखो आप जी जी, गियर लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। इसमें जो गियर आते हैं वो कॉन्स्टेंटमेंस गियर आते हैं? कॉन्स्टेंटमेंस गियर आते हैं। तो इसमें 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स गियर आते हैं जी, जी। इसका 2100 इंजन रेटेड आरपीएम है जी। और काफी ट्रैक्टर जो है, इसका लुक जो है ट्रैक्टर का वो भी काफी अच्छा हाँ, है, शानदार सुंदर ट्रैक्टर, सुंदर ट्रैक्टर है। आप उपदेश जी, हम आपसे लास्ट बार पूछते हैं इस बारे में कि आप हमारे किसानों के लिए क्या राय देना चाहेंगे, क्या आपकी राय, ओपिनियन हम आपका शेयर कर रहे हैं हमारे किसानों के। मैं मेरा व्यक्तिगत अपने जो विचार आपके सबके सामने रख रहा हूँ जी, जो परफॉर्मेंस मुझे इस ट्रैक्टर दी शायद मुझे वो कहीं नहीं मिली। और सबसे बड़ी बात, बी इंडियन बाय इंडियन, हम भारत के निवासी, हम भारत का ट्रैक्टर जी। और जब हमें से कोई शिकायत नहीं है तो फिर बाहर जाने की आवश्यकता क्या है, बताओ जी। जी, तो ये है उपदेश जी जो कह रहे हैं कि बी इंडियन बाय इंडियन। यस सर। तो ये थे किसान उपदेश जी, जिन्होंने अपना ओपिनियन शेयर किया, अपने विचार शेयर किए और अपने ट्रैक्टर के बारे में बताया, इसकी खूबियों के बारे में बताया, इस ट्रैक्टर को आपको क्यों लेना चाहिए इसके बारे में भी इन्होंने बताया। तो अगर आप इसी तरीके का ट्रैक्टर लेने का मन बना रहे हैं और आप लेना चाह रहे हैं तो आप इस ट्रैक्टर की तरफ जा सकते हैं। और आप अगर ट्रैक्टर कारवा के चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो हम मिलते हैं इसी तरीके से किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।